झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टाटा डीएवी स्कूल घाटोटाण मांडू में टाटा फाउंडेशन एवं जिला प्रशासन की पहल से बनाए गए 80 बेड के कोविड केयर सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस केंद्र में सभी 80 बेड के साथ पाइप्ड ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इस सार्थक प्रयास के लिए टाटा समूह को बधाई देते हुए कहा कि विगत कुछ समय में रामगढ़ में ऑक्सीजन युक्त बेड की संख्या में काफी इजाफा हुआ है, जिससे कोविड के मरीजों को लाभ मिल रहा है। आज घाटोटाण में टाटा के द्वारा नए कोविड सेंटर जो ऑक्सीजन युक्त है, उसके इस उद्घाटन कार्यक्रम में टाटा समूह के विशेष भूमिका के लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने सुना किस तरीके से रामगढ़ 30 बेड की स्वास्थ्य सुविधा से लेकर के आज लगभग 450 के कोविड बेड के साथ अपने आप को स्वास्थ्य सेवा में काफ़ी बेहतर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। वहीं सीएम ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए हम राज्य भर में जिलों से लेकर पंचायत स्तर तक हेल्थ सर्किट की एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने जा रहे हैं। हम लोगों ने वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्था को देखकर राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बेहतर हो, जिला से लेकर के ब्लॉक से लेकर पंचायत तक स्वास्थ्य सर्किटों का एक व्यापक कार्य योजना तैयार हम करने जा रहे हैं, और इसको लेकर मुझे लगता है भविष्य में हम स्वास्थ्य को लेकर काफी बेहतर स्थिति पर होंगे, ऐसा हमारी सोच है। इस बीच मुख्यमंत्री ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण दर पर लगाम कसने को लेकर राज्य सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हुए आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं में और भी गुणात्मक सुधार किए जाने की बात कही।